चांद नगर देखिए उमेर राना को इस हाल में। बुनियादी तौर पे एक ऑब्वियसली इट्स अ कॉमेडी, लेकिन एक बड़ा माने खेज कॉमेडी है जिसके अंदर आपको ऐसे भी मौके मिलेंगे जिसमें ना कि सिर्फ आप कैरेक्टर्स के साथ रिलेट कर पाएंगे, एक रिश्ता कायम होगा आपका मुख्तलिफ कैरेक्टर्स के साथ, खास तौर पर ये जो मुंह खोल के जो खड़े हैं ना इनके साथ। बट अदर देन दैट इट्स रमज़ान के मौजू के से दूर नहीं है, उसकी रूह से दूर नहीं है, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। एंड इट्स सेट इन अ प्लेस कि एक खातून है जो कि अकेला महसूस सी कर रही होती है, अपना दरवाजे खोलती हैं लोगों के लिए क्या कि रमज़ान मनाओ, और फिर वहाँ से दरवाजे खुलते हैं आपके कि आप देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। रिस्पॉन्स तो आपके सामने, और ज़ाती तौर पर जब मिले तो इसकी बहुत सारी मोहब्बत मिली है, बहुत इज्जत मिली है, उनके मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। अकास के साथ काम करने में उतना ही मज़ा आया जितना हमेशा, अल्हम्दुलिल्लाह। और चंद लोग जिनके साथ ऑलरेडी उनसियत थी, बिलाल अब्बास, तरीक शाह, हिरा तरीन, और फिर फारूक रहीन डायरेक्टर, सो जिनको हम सब इंडस्ट्री में दादा कहते हैं, फारूक साहब उस गए। इंस्टेंट फीडबैक तो अच्छा है, बशर्ते कि उस इंस्टेंट फीडबैक में आप ये है कि ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल से सोच के देख के फिर लिखें, हर एक अपना ओपिनियन शेयर करें। मेरी यही होती है हर एक को दर्स अपने तौर पर, मैं अपने आप को भी यही दर्स देता हूँ कि कोशिश करें कि आपने फीडबैक देना है सही नीयत से दें और सही रिस्पेक्ट से दें। सो अपनी राय है, हर एक की राय है, तो अपनी राय का इजहार करना और वो भी इज्जत से के दायरे में रहें, प्लीज़ करें, जरूर करें। है भी और नहीं भी है, अगर आपने इसका मुआयना करना है तो फिर आई थिंक न्यूमेरिकली आप डेटा निकाल सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पहली बात, आई मीन मेरा नज़रिया तो मैं आप एक अलग डेटा दे दूंगा कि आप अगर मेरे ड्रामों की लिस्ट लिख लें तो उनमें से कितने सास बहू के थे ये मैं आपको गारंटी कह सकता हूँ। वो बाई डिज़ाइन भी है, आई डोंट वॉन्ट सास बहू रविश। लेकिन उसके अलावा अगर आपको रिवायती लगते हैं, पहले तो ये तय करें कि रिवायती है क्या, जो टिपिकल आप जिसको कह रहे हैं, हाउ डू यू डिफाइन टिपिकल। अगर रोमांस है क्या टिपिकल है, क्या रोमांस मुख्तलिफ तरीके से दिखाया नहीं जा सकता, वो देखें। और फिर अगर आपने बाकी डेटा करना है तो टेक आउट द डेटा, पिछले साल का निकाल लें और चैनल्स का निकाल लें और मेरे देखें कि जी कौन से रिवायती कौन से कह रहे हैं, और ट्रेंड आपको शायद नजर आ जाए। मौका है स्लो डाउन, मौका है रिफ्लेक्ट करें, अंदर झांकें, मौका है जो उसकी रूह है जनरोसिटी की वो सरा प्लीज दिखाएं, सब्र दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं। मुझे अब याद है बचपन में हम लोग जब ड्रामे देखते थे तो हमारे साथ कोई ना कोई ताल्लुक बनता था कैरेक्टर से, कुछ ना कुछ सबलिमिनली। अब बड़े हुए तो अंदाज़ा हुआ है कि सीखने को कुछ मिला था हमारे साथ, कुछ मायने खेज, उसमें मज़ाक भी था, उसमें तकलीफ भी थी, उसमें रिश्ते भी थे, सब कुछ था। यही चीज़ मुझे इसमें लग रही है, इसीलिए मैंने साइन किया, इसीलिए मैंने उसमें हिस्सा डाला, इसीलिए आपको देखा। पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी के बानी के बेटे का चक्कर चल रहा है वो भी रूप बदल के, आई डोंट थिंक सो। दुनिया भर में पॉलिटिक्स छोड़ दें, अदरवाइज जहाँ भी ताकत होती है तो कोशिश करें ताकत को कायम रखने के लिए। रिश्ते इस तरह ही बनते हैं, दे गेट मैरिड दैट वे ऑल्सो, ताकि वो इसी स्ट्राटा में रहें या इन्हीं लोगों के साथ बिजनेस डील करें एंड व्हाट नॉट। तो दैट्स हाउ पीपल ऑपरेट, वेयर एवर देयर इज पावर दिस इज हाउ दे ऑपरेट। जिस दिन मैं मुतमईन हो गया उस दिन फारिग हो गया, मुतमईन नहीं होना, यू हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर समथिंग बेटर। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, हम इससे भी बेहतर काम कर सकते हैं, ये बेहतर तरीके से भी कर सकते हैं। सो स्टैंडर्ड्स अप रखें, बढ़ा के रखें। आप लोगों से, ऑडियंस को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि डिमांड ड्रिवन इंडस्ट्री है हर एक की तरह। आप लोगों ने आज ये काफ़ी सारे ब्रांड्स को बॉयकॉट किया है तो ब्रांड्स कम हो गए, बट अगर आपको लगता है जो कि आपके मुफाद में नहीं है चीज़ तो आप वो ना देखें, तो आप नहीं देखेंगे तो दूसरी चीज़ें फिर बनना शुरू हो जाएंगी जो आपके मुफाद में होंगी। अगर आपको खालिस घी चाहिए तो आप खालिस घी, वो गलत घी खाना छोड़ दें, खालिस घी की डिमांड बढ़ जाएगी, फिर सप्लाई बढ़ेगी। सो हर चीज़ अच्छी चीज़ की आप ये कर सकते हो, इज़ अ बिग पावर है। हम सब के पास कोई ना कोई स्पेस है, एवरीवन हैज स्पेस, एवरीवन। और सबसे बड़ा स्पेस जो कि क्योंकि मैं सोशल मीडिया से मुखातिब कर रहा हूँ, आपके पास है। आपने हर नेगेटिव चीज़ को प्रमोट करके लड़ाई छोड़ी कर आपकी कोई कॉन्ट्रोवर्सी करके क्लिक्स ना गेन कर, अच्छी बात को प्रमोट करके।